एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं एयर पॉल्यूशन के ऊपर पैराग्राफ, जिसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊंगी विद ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी बुक को पढ़ने के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एयर पॉल्यूशन हैज़ मेनी बैड इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल। हवा, वायु, ठीक है, हवा या फिर वायु प्रदूषण। अब जी हैज़ जो लगा है इसके साथ अगर थर्ड फॉर्म होती तो ये कौन सा टेंस होता? प्रेजेंट परफेक्ट होता, है ना। लेकिन ये अकेला है, अगर अकेला हैज़ हो तो मीन्स उसका मीनिंग होता है कुछ होने के लिए, ठीक है ना। हवा प्रदूषण के हैं क्या है? मैनी, बहुत सारे बुरे प्रभाव किस पर? स्वास्थ्य पर, किसके? ऑफ पीपल, लोगों के। द एयर पॉल्यूशन हैज मैनी बैड इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल। जो हवा का प्रदूषण है या वायु प्रदूषण है, लोगों के स्वास्थ्य पर उसका बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव है। इट इज द कॉज ऑफ मेनी स्किन, यह है कारण, किसका कारण है? ऑफ मेनी, बहुत सारे त्वचा से रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम होती है, एंड और रेस्पिरेटरी होता है सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मीन्स जो विकार होते हैं इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में, ठीक है ना। इट इज द कॉज ऑफ मेनी स्किन एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स। यह कारण बनता है मनुष्यों में सांस के विकार का और त्वचा का, बहुत सारे जो होते हैं ना कॉजेज हैं, कारण हैं। ऑल्सो इट कॉज हार्ट डिजीजेस टू। ऑल्सो मीन्स भी, यह है इट के साथ कॉज लगा है, साथ में एस का सेंस दे रहा है ना, प्रेजेंट इनडेफिनेट का सेंस दे रहा है, मीन्स कारण बनता है, कारण बनता है किसका? हार्ट डिजीज, हृदय रोगों का, रोगों का भी कारण बनता है। एयर पॉल्यूशन कॉजेज वायु प्रदूषण, अगेन एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट है, कॉज होता है कारण, कारण बनता है। अस्थमा जो सांस से रिलेटेड होती है, ब्रोंकाइटिस चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाती है, ब्रोंकाइटिस और मेनी अदर, बहुत सारी दूसरी जो बीमारियां हैं, ठीक है ना। एयर पोल्यूशन कॉजेस अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड मैनी अदर डिजीजेस। इट अकर्स, यह होता है, ठीक है, क्यों पैदा होता है? अकर्स होता है जब हार्मफुल, हानिकारक पदार्थ लाइक जैसे धुआं और केमिकल्स, रसायन आर रिलीज्ड। आर के साथ थर्ड फॉर्म का सेंस आ रहा है, पैसिव का सेंस दे रहा है ना, मीन्स ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है ये। रिलीज होता है छोड़ना, छोड़े जाते हैं, छोड़े जाते हैं इन टू द एयर, कहाँ पर? हवा में। ये देखिए, इट अकर्स, यह कारण बनता है, क्यों होता है? जब हार्मफुल पदार्थ, जो हानिकारक पदार्थ है जैसे कि धुआं, रसायन, हवा में छोड़े जाते हैं, ठीक है, पैसिव का सेंस दे रहा है। वन मेजर टाइप, एक मुख्य प्रकार किसका? एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का। इज कॉज्ड, कारण बनता है, बन जाता है किसका? बाय व्हीकल, मींस जो वाहन का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना, जो धुआं निकलता है, उत्सर्जन होता है, उसका भी कारण बनता है।
इमिशन होता है उत्सर्जन, मींस कोई भी चीज का फैलना, जो व्हीकल से जो धुआं निकलता है वो फैलता है, उसको उत्सर्जन या फिर फैलाव, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं. कार्स एंड ट्रक्स रिलीजेस, कार और जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, रिलीज फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इनडेफिनेट है, छोड़ते हैं, ठीक है ना, प्लूरल है, कार एंड ट्रक प्लूरल है, प्लूरल के साथ जब हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस देता है. छोड़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या रसायन होते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, विच जो कैन लीड टू, जो ले जा सकते हैं, ठीक है, किसकी तरफ बढ़ सकते हैं, कैन लगा है, लीड लगा है, लीड टू मींस कारण बनते हैं किसी चीज का, कैन लीड टू रेस्पिरेटरी, सांसों की प्रॉब्लम, जो समस्या होती है, और अदर दूसरे स्वास्थ्य मुद्दे जो होते हैं, मामले इश्यू होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, है ना. फैक्ट्रीज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, जो कारखाने होते हैं भी योगदान देती हैं. फर्स्ट फॉर्म लगी है, फैक्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर, हवा के प्रदूषण को, बाय इमिटिंग मीन्स उत्सर्जन, जो धुआं निकलता है, जो फैलता है, फैलाव करके, किसका, स्मोक का, धुएं का, और टॉक्सिक गैसेस, जहरीली गैसेस, जहरीली जो गैसेस होती हैं, किसके दौरान, ड्यूरिंग प्रोडक्शन, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, जब कारखानों में कोई किसी भी चीज़ का उत्पादन हो रहा होता है तो उसमें से क्या क्या निकलता है, जो धुआं है वो फैलता है ना, तो उससे भी क्या होता है, जहरीली गैसेस फैलती हैं, स्मोक फैलता है, जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है. तो फैक्ट्री भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करती हैं एयर पॉल्यूशन में. एयर पॉल्यूशन नॉट ओनली हार्म्स, हवा प्रदूषण ना सिर्फ नुकसान, हार्म्स लिखा है ना, ठीक है ना, प्रेजेंट डेफिनेट है, नुकसान पहुंचाती है आर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य पर, लेकिन ऑल्सो मीन्स खराब करती हैं किसको, हमारे पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को, ठीक है, वो ना सिर्फ हमारे शरीर को खराब करती हैं बल्कि वो हमारे पर्यावरण को भी खराब कर देती हैं. डैमेज के साथ एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस दे रहा है ना, डैमेज हो जाए, खराब करना या नुकसान पहुंचाना, उसके साथ हमें ताहे तेह का सेंस देना है, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस आ रहा है. इट कैन लीड टू, यह है मीन्स कारण बन सकती है, लीड होता है किसी की तरफ ले जाना, इट लीड टू मीन्स ले जा सकती है, किसका कारण बन सकती है, जलवायु परिवर्तन का, विच जो कि इफेक्ट के साथ एस लगा है, प्रभाव डालता है, किस पर, वेदर मौसम, मौसम पैटर्न मीन्स होता है मिजाज, ठीक है ना, मौसम के मिजाज, और वन्य जीवन पर भी प्रभाव डालता है, ठीक है ना. इट कैन लीड टू क्लाइमेट चेंज विच इफेक्ट्स वेदर पैटर्न एंड वाइल्ड लाइफ. एडिशनली इसके अतिरिक्त पॉल्यूटेड एयर, जो मीन्स प्रदूषित हवा होती है, कैन हार्म मीन्स नुकसान पहुंचा सकती है, किसको, प्लांट्स एंड ट्रीज, पौधे और पेड़ों को, मेकिंग इट डिफिकल्ट, करके मुश्किल, फॉर देम उनके लिए, ठीक है ना. आगे देखते हैं क्या मीन्स, यहां से देख लेते हैं एक बारी. एडिशनली पॉल्यूटेड एयर मीन्स इसके अतिरिक्त, इसके अलावा जो प्रदूषित हवा है, कैन हार्म मीन्स नुकसान पहुंचा सकती है, कैन लगा है, सकता है का सेंस आएगा, किसको, प्लांट्स और ट्रीज को, मेकिंग इट डिफिकल्ट मीन्स करके, क्या करके, मुश्किल करके उनके लिए, फॉर देम, आगे देखते हैं.
फॉर देम टू ग्रो, बढ़ने के लिए, उनके लिए मुश्किल कर देते हैं बढ़ना, टू कॉम बैक एयर पॉल्यूशन, ठीक है ना, निपटने के लिए, कॉम्बैक्ट होता है निपटने के लिए, किससे, वायु प्रदूषण से, वी कैन टेक, हम ले सकते हैं, टेक होता है लेना, कैन लगा है तो सकते हैं का सेंस आएगा, साधारण कदम, लाइक जैसे, यूजिंग प्रयोग करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक परिवहन, ठीक है, और कार पुलिंग, कार पुलिंग क्या होता है कि जैसे एक ही कार जा रही है तो आसपास के लोग भी उसी में चले जाएं, जिससे कि जो जहां पर चार गाड़ियां जानी थी वहां पर एक जाएगी तो प्रदूषण कम होगा ना, इससे कार पुलिंग मीन्स शेयर करना, साझा करना, और राइडिंग बाइसिकल और साइकिल चलाना, साइकिल चलाने से प्रदूषण नहीं होता है ना, प्लांटिंग मोर ट्रीज मीन्स उगाना ज्यादा पेड़, कैन ऑल्सो हेल्प, मदद कर सकता है भी, मदद भी कर सकता है, क्लीन द एयर, साफ करने में हवा को, ठीक है ना, प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन हेल्प क्लीन द एयर, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाना भी मदद कर सकता है हवा को क्लीन करने में, गवर्नमेंट कैन प्ले, जो सरकार है, कैन प्ले, निभा सकती है भूमिका, बाय क्रिएटिंग मीन्स बनाकर, स्ट्रिक्टर मीन्स सख्त सख्त कानून, ऑन इमिजन, इमिजन होता है उत्सर्जन, भी जो निकलता है, जो फैलाव के ऊपर मीन्स कोई भी काम हो तो फैलाव ना हो ज्यादा, उत्सर्जन ना हो, इसके ऊपर कानून बना सकती है, और प्रमोटिंग, बढ़ावा देकर, बढ़ाकर, क्लीन एनर्जी, साफ ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसको बढ़ाकर भी जो सरकार है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है इसमें, अगर रोकना चाहे तो, बाय वर्किंग टुगेदर, काम करके एक साथ, बाय के साथ फर्स्ट फॉर्म ING है, तो जो भी इसका मीनिंग होगा, वर्क, जैसे वर्क होता है काम करना, तो काम करके, ठीक है ना, इस तरह से आएगा, बाय क्रिएटिंग, बनाकर, क्रिएट होता है बनाना, बनाकर, इस तरह का सेंस आएगा, बाय वर्किंग टुगेदर वी कैन, हम कैन रिड्यूस, रिड्यूस होता है कम करना, कम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को, और क्रिएटर, और बना सकते हैं हेल्दियर, स्वस्थ, क्लीनर, साफ दुनिया, किसके लिए, अपने लिए, और फ्यूचर मीन्स आने वाली पीढ़ियों के लिए, ठीक है ना, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम एक साफ और स्वस्थ दुनिया को बना सकते हैं बाय वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करके। तो ये था पैराग्राफ एयर पॉल्यूशन के ऊपर, आई होप आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर के नाम से है, जिस पर मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करी, अगर वो भी आप सीखना चाहते हैं इसी तरह से तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, गॉड ब्लेस यू।